हेलो दोस्तों, सॉलिड वर्क के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम मूव एंटिटीज़, कॉपी एंटिटीज़, रोटेट एंटिटीज़ जैसे कमांड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मूव एंटिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं। मूव एंटिटीज़ यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे। मूव एंटिटीज़ की मदद से बेसिकली उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि किसी भी स्केच या एंटिटीज़ को हम मूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ये आर्क स्लॉट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पर दो तरह की ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रॉम टू टू और एक्स टू वाई। यानी कि जो स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर हम देंगे वो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पॉइंट फ्रॉम टू लिया है और पॉइंट यहाँ पर लूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर पॉइंट लूँगा वो एंटिटीज़ यहाँ पर मैं मूव कर सकता हूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं ये एंटिटीज़ मूव हो चुकी है। दूसरा कमांड है कॉपी एंटिटीज़, यानी कि एंटिटीज़ को हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मैं एंटिटीज़ यहाँ पर मैंने सिलेक्ट की, यहाँ पर फ्रॉम टू से सिलेक्ट की, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अपना माउस आगे पीछे करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली कॉपी कर दे रहा है, ये कॉपी हो गया। अब कमांड है रोटेट एंटिटीज़, यानी कि एंटिटीज़ को रोटेट करना है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं ये, सॉरी लाइन की जगह हम इसे पूरा सिलेक्ट करना, ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर रोटेशन की डिग्री, यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट हम डिफाइन करेंगे, स्टार्ट पॉइंट यहाँ से लेंगे और रोटेशन की डिग्री हम स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कि हम रोटेशन की डिग्री स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा रोटेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम 70 डिग्री पर उसे रोटेट कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये रोटेट हो चुका है। इसी तरह का कमांड है स्केल एंटिटीज़। बेसिकली स्केल एंटिटीज़ की मदद से हम किसी भी एंटिटीज़ की साइज़ बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ये सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर पॉइंट से सिलेक्ट करता हूँ ये पॉइंट, और यहाँ पर कितनी बड़ी करनी है मुझे यहाँ पर मैं देख सकते हैं। आप छोटी बड़ी कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली छोटी बड़ी हो रही है, और यहाँ पर कॉपी करूँगा, कॉपी कमांड पर ओके रखूँगा तो ये कॉपी भी उसकी करता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2, 3, 4 जितनी भी कॉपी मुझे करनी है ये उतनी कॉपी करता जाएगा उसी डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पर मैं कम करके कॉपी कर लेता हूँ, 1.5 और 4 को कॉपी, तो देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया है। तो दोस्तों ये था हमारा मूव, स्केल, रोटेट और कॉपी एंटिटीज़ के ऊपर लेक्चर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमारी यूट्यूब चैनल पर आकर हमें बता सकते हैं। वहाँ पर लाइक, सब्सक्राइब और हमारे वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।